.NET classes, your selection, our ambition. जी हाँ, अब आपका selection हमारा लक्ष्य. तो आज ही सब्सक्राइब करें .NET classes को एवं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए घंटी के निशान को अवश्य दबाएं. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी. .NET classes में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेमोरी क्लास का इससे पहले एक वीडियो लाया हूँ मैं, उसके बाद ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है नंबर मेमोरी. ठीक है, ये तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. जैसा कि आप देख ही रहे हैं डायग्राम से, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप की मेमोरी टेस्ट है. तो उससे पहले कुछ लोगों के डाउट हैं, तो डाउट भी क्लियर करना हमारा काम होता है. ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है, उन लोगों को काफ़ी टेंशन हो रही है. हमारा साइको टेस्ट है, मगर हमारे CBT 2 जो था उसमें हमारे नंबर काफ़ी कम आए, मगर हम लोग क्वालिफाइड तो हो गए, तो हम लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका साइको का टेस्ट है उसमें आपका 30% वेटेज होता है. ठीक है, 30% और CBT 2 जो है उसका 70% वेटेज होता है. ठीक है, आपके नंबर भले कम है, मगर आप यहाँ पर अगर 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा पेपर करते हैं और अच्छे नंबर ले आते हैं यहाँ पर, तो 30% वेटेज होता है यहाँ पर. ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है. जिसके नंबर ज़्यादा है उनके यदि साइको में नंबर कम आए हैं तो वो आपसे पीछे हो सकते हैं, और यदि आप 30% मार्क्स को देखते हुए 100% स्कोरिंग करते हैं तो आपके उनसे आगे आपका नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोग बेफिक्र रहे हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. ठीक है, यदि आप इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा पेपर करते हैं इसको, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा. ठीक है, तो इसकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए. ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे उसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर मेमोरी. ठीक है, नंबर मेमोरी एक मेमोरी टेस्ट के एक पार्ट होता है. इसका सबसे पहले मैं आप लोगों को पैटर्न बता देता हूँ. ठीक है, पैटर्न ये होता है, इसमें 21 क्वेश्चन आते हैं, 21 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है. ठीक है, 3 मिनट में आप लोगों को 21 क्वेश्चन देखने रहते हैं. पैटर्न कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे ये क्वेश्चन है 1, 2, 3, इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ डायग्राम बने रहते हैं इसमें. ठीक है, तो ये आपको देखना रहता है, इसके लिए आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है. ठीक है, फिर आंसर देने के लिए भी आपको 3 मिनट का टाइम ही मिलता है. आंसर कुछ इस प्रकार से आपको देने रहते हैं, 3 मिनट तक आपको क्वेश्चन देखना है, उसके बाद 3 मिनट बाद आपको आंसर देना है. ठीक है, तो एक चीज और बता दूं, इसमें आपको 2 सेट आते हैं. ठीक है, सेट यहाँ पर 2 रहेंगे, 21 क्वेश्चन के 2 सेट आपको मिलेंगे यहाँ पर. तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि इस प्रकार से आपको कुछ 21 क्वेश्चन दिए रहेंगे. यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ये आपको 10 क्वेश्चन है यहाँ पर. ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, 11 क्वेश्चन है यहाँ पर, और आपको आंसर देने के लिए मैंने सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए यहाँ पर. ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें कुछ डायग्राम बने हुए हैं. ठीक है, नंबर मेमोरी कहलाती है ये, आपको कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इसके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, तो आपको ये डायग्राम के सामने जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसको आपको याद रखना है कुछ इसी क्रम में. जैसे ये घड़ी है, घड़ी के सामने 25, 25 लिखा हुआ है, ये दीपक है, इसके सामने 51 लिखा हुआ है, ये कप रखा हुआ है, यहाँ पर 33 लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको 21 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपको याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप लोग कैसे याद करते हैं इसको वो देख लीजिए. इस तरीके से इसको याद रखना बहुत ही कठिन हो जाता है. ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे आप लोग, हाँ नॉर्मल तरीके से आप इसको याद नहीं रख सकते कि घड़ी के सामने 25, क्योंकि 21 क्वेश्चन रहते हैं, 21 क्वेश्चन रहते हैं, और 21 क्वेश्चन को ऐसे याद रखना बहुत ही कठिन काम हो जाता है. तो आप लोग इसके लिए कुछ ट्रिक लगा के इसको याद रख सकते हैं, जैसे मैं आप लोगों को करके बताता हूँ. ठीक है, आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से उसको याद करेंगे. ठीक है, जैसे घड़ी में 25 लिखा हुआ है, 25 घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे की जो घड़ी रहती है उसमें 24 तक चलता है. ठीक है, तो आप याद रखेंगे कोई नई घड़ी आई है उसमें 25 बज रहा है. ठीक है, 25 दीपक याद रखना है इसको, 25 दीपक यदि जलता है कहीं पे भी तो आप लोग एक राशि होती है 21 रुपये 51 रुपये, तो आप 51 रुपये याद रखें कि आजकल महंगाई का जमाना है, 51 रुपये आपको देना पड़ता है. ठीक है, इसके बाद ये कप रखा हुआ, अब कप के लिए कोई ट्रिक नहीं बन रही है, तो कप के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ पर 3 डंडी है. ठीक है, 3 डंडी है, तो यहाँ पर 3-3 लिखा हुआ है. एक कार है, कार के लिए क्या ट्रिक बनाएंगे,
कार जो है 17 का एवरेज देती है, कार जो देती है 15 या 17 का, आप 17 का एवरेज याद रख लीजिए, आपकी पास एक कार है वो 17 का एवरेज देती है, ठीक है। ये फूल है, फूल जो है गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल को आप ऐसे याद रख सकते हैं 47, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में चाचा नेहरू को गुलाब का फूल दिया था, 1947, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए इसको, जैसे घड़ी है, घड़ी में 25 बज रहे हैं, दीपक है, दीपक में 51 रुपये मिलते हैं, एक कप है, इसमें चाय रखी हुई है, यहाँ पर 3 डंडियाँ हैं, कार जो है वो 17 का एवरेज देती है, गुलाब का फूल है 1947 में दिया था। इसके आगे देखते हैं कुछ, आप यदि टफ लग रहा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं ऊपर जाके। इसके बाद ये दूरदर्शन का निशान दिख रहा है, दूरदर्शन के सामने लिखा है 50 लिखा हुआ है, तो आपको दूरदर्शन 1950 में, बहुत पुराना चैनल है, तो 1950 से चल रहा है दूरदर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक कोई फल रखा हुआ है, अब इसमें देखिए आपको एक ट्रिक बनती है क्या, 1, 2, 3, 4, 5 तो दिख रहा है, और ये ऊपर एक डंडी मान लीजिए और एक डंडी, ठीक है, तो 5 डंडी है और ये 2, तो 52 हो गया इसका, ठीक है। ये कोई पक्षी है, पक्षी देख लीजिए, पक्षी में 6 यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैर हैं इसके और एक चोंच है इसकी, ठीक है, ये हो गया 61। ये कैप है, कैप में देख लीजिए, इतना स्पीड में मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको 3 मिनट के अंदर 21 क्वेश्चन देखना है, 21 क्वेश्चन आपको 3 मिनट के अंदर देखने हैं, और उतनी 21 क्वेश्चन का 3 मिनट के बाद आपको आंसर देना है, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, लगातार आपको क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैप देख लेते हैं, कैप में लिखा है 55। कैप कब लगाते हैं, जब धूप पड़ती है, तो धूप पड़ती है उस टाइम पर आप कैप लगाते हैं, तो सोच लीजिए कि 55 डिग्री का टेम्परेचर है, 55 डिग्री का टेम्परेचर है, तो वहाँ पर धूप पड़ रही है, तो आपने कैप लगाई है, ठीक है। ये है इरेजर, ठीक है, इरेजर है, ये रबर है मिटाने वाली, तो इसके सामने लिखा है 15, तो 15 जो है आप या सोच लीजिए, पहले 5 रुपये की रबर आती थी, आजकल रबर महंगी हो गई है, तो वो 15 रुपये की रबर आ रही है, ठीक है। ये है एक शटल, ठीक है, शटल जो खुद ही बैडमिंटन खेलते हैं आप, वो है, ठीक है। तो ये जो है 78 साल का कोई व्यक्ति है, वो खुद बैडमिंटन नहीं खेल सकता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी 21 क्वेश्चन है, बहुत ही स्पीड में, जैसे मैं स्पीड में कर रहा हूँ उसी प्रकार आपको भी स्पीड में इसको याद रखना पड़ेगा, स्पीड में, काफ़ी स्पीड में आपको देख लग रहा होगा मैं स्पीड में कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो आप लोगों को भी सेम स्पीड में यहाँ पर तुरंत कोई भी ट्रिक बनाना है और उस हिसाब से इसको करना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, टिप्स दे रहा हूँ कि ये कुछ इस प्रकार की जो मेमोरी है उसके लिए आप ऑफलाइन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करें, ठीक है। उससे कुछ लोगों को ये लगता है कि सर वहीं पर तुरंत ट्रिक बना लेंगे, बहुत ईजी है ये, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये ट्रिक जो है जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपसे वहाँ पर भी कुछ नहीं बनेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे कि इसके लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, इसके लिए मैं क्या सोच सकता हूँ, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहीं जाके करेंगे, तो आप 21 क्वेश्चन पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आंसर देने का पैटर्न देख लीजिए, आंसर देने का पैटर्न ये रहता है, जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ABCD करके ऐसे आपको गोले बने रहेंगे, ABCD यहाँ पर आपको टिक लगाना है क्या है। अब यहाँ पर ABCD दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। अब ये कार, कार को आपने किस चीज से याद रखा था, ठीक है, कार आपने याद रखा था कि कार जो है वो 17 का एवरेज देती है, तो 17 कहाँ लिखा हुआ है, ये B, तो यहाँ पर आप B पे गोला लगा देंगे, ठीक है। कुछ लोग अगर इसको 7-1 या इस तरीके से कुछ याद रखते हैं, तो देख लीजिए आप दोनों चीज़ें कामन मिल रही हैं, यहाँ पर 7 भी मिल रहा है, कहीं 1 भी मिल रहा है, तो उस तरीके से आपकी ट्रिक फेल हो जाएगी। यदि आप उसको कुछ तरीके से याद रखेंगे तो ही आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, ठीक है। अगला देखें, ये पक्षी, पक्षी में आपने क्या याद रखा था, 3 पैर 6 और एक इसकी चोंच, तो 6 और 1 इसी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए दीपक, दीपक आपने याद रखा था कि 51 रुपये देते हैं आजकल दीपक के लिए, ठीक है, तो 51 रुपये मतलब ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं आप जितना अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं, जितना जो आपको सोचना है वो सोचिए, सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है, बस आपको वहाँ पर सही टिक लगाना है, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपसे सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। ये कैप है, कैप आपने याद रखा था, कैप धूप में लगाते हैं, और धूप में कब लगाते हैं, जब 55 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी मेमोरी होती है, 3 मिनट में आपको ये 4 क्वेश्चन है, 4 नहीं 21 आते हैं, ठीक है, 2 सेट आते हैं 21 के, तो आपको हर उसमें 3 मिनट का टाइम मिलता है, 3 मिनट देखने का और 3 मिनट आंसर देने का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, मगर
ऑफलाइन प्रैक्टिस करें। ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा सोचने के लिए भी समय मिल जाएगा वहाँ पर, और आप अच्छे से अच्छे ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, सोच लोगे फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। पूरे 21 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पाएंगे, दोनों सेट के आपके पूरे 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, यदि कुछ डाउट है आपको इसके बाद भी तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मेरे, तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कमेंट्स। और ये चीज़ जो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने कि जो आपका 30% इसका वेटेज है, यदि आपके नंबर कम भी हैं तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बस जो ट्रिक्स यहाँ बताई जा रही हैं उसको फॉलो करें, आपके जितने नंबर का भी पेपर होने वाला है उसमें आपको 100% एक्यूरेसी के साथ पूरा क्वेश्चन बनेगा और आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा। तो याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, .NET क्लासेस को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।